हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम टाइम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे बियर्ड लॉ को, देन लैम्बर्ट लॉ को, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके जो लॉ आता है दैट इज बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो देखिये, बियर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब एक बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट की, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट की, जब उसको पास करते कि जो सब्सटेंस से जो डिस्पर्स्ड होता है नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन आती है लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी मोलर कंसंट्रेशन के, जो भी हमारे एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो भी हमारी एब्जॉर्प्शन होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, वो आएगी जो भी हमारे एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ बियर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एक बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट की, उसको पास किया जाता है एक सब्सटेंस के थ्रू जो कि इमर्ज्ड होता है, जो कि डिस्पर्स्ड होता है किसके अंदर, नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट के अंदर, तो जो एब्जॉर्प्शन आती है हमारी लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन के, जो भी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन, क्लियर। इसके बाद है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है? जब एक बीम को मोनोक्रोमेटिक लाइट की पास किया जाता है सब्सटेंस के थ्रू, वो भी किसमें होती है, नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट के अंदर होती है, ठीक है, पास किया जाता है लाइट को एक सब्सटेंस के थ्रू, जो एब्जॉर्प्शन आता है लाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले हमने बात की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन की, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग पाथ लेंथ की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पाथ लेंथ होगी सैंपल की सब्सटेंस की, ठीक है। तो इन दोनों को कलेक्ट जब हम करते कंबाइन करते हैं तो आता है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। सो जो दोनों लॉ है जो हमने पढ़े अभी उनको कंबाइन करते हैं तो जो जनरल एब्जॉर्प्शन लॉ आता है दैट इज बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। क्या आता है? बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। सो क्या है ये लॉ, इसको हम कैसे स्टेट करेंगे? जो एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की एक सब्सटेंस के द्वारा, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की बाय अ सब्सटेंस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो कि सब्सटेंस में है इन द पाथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट के पाथ में, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आई नोट बाय आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सी के। अब यहाँ पर आई नोट क्या है, आई क्या है, सी क्या है, ये भी आपको बताते हैं। पहले देखो, आई नोट जो है वो इंटेंसिटी है हमारी इंसिडेंट लाइट की, मतलब जो लाइट आ रही है, जो इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है, तो इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की। उसके बाद आई है वो है इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की, जो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, जो फॉल कर रही है, फिर ट्रांसमिटेड लाइट, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को हम आई नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी है यहाँ पर कंसंट्रेशन जो भी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है मोल पर लीटर के अंदर, क्लियर। सो यहाँ पर लॉग आई नोट बाय आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, लॉग आई नोट बाय आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल के अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ। दोनों को कंबाइन करते हैं तो आता है हमारे पास बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, लॉग आई नोट बाय आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा सी एल के, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो लॉग आई नोट बाय आई है डायरेक्टली टू सी एल, प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है, तो यहाँ पर लॉग आई नोट बाय आई प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटेगा तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन, ठीक है, क्या बोलोगे आप इसे, एप्सिलॉन, ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, क्लियर गाइज, ये क्या है हमारा एप्सिलॉन है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। सो लॉग आई नोट बाय आई इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन सी एल के। अब यहाँ पर ये सी और एल क्या है, तो देखिए सी कंसंट्रेशन जो एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है उसकी मोल पर लीटर के अंदर, एल क्या है पाथ लेंथ है या फिर थिकनेस है हमारे सैंपल की, और एप्सिलॉन जो है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, क्लियर। और हम इसे क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को, इसे हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, तो ये अलग अलग नाम है, ठीक है ये सारी एक चीज, क्या क्या बोलते हैं, एक तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, दूसरा मोलर एक्सटेंशन कॉफिशियंट, तीसरा एक्सटेंशन कॉफिशियंट, ये तीनों ही क्या है एप्सिलॉन है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, क्लियर हो गई बात। अब लोग आई बाई आई नोट क्या होती है, हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है या फिर एब्जॉर्बेंस ए, ठीक है, जो लोग आई नॉट बाई आई है वो क्या है, वो है हमारी एब्जॉर्बेंस, ठीक है, लोग आई बाई आई नोट ये क्या है हमारी
एब्जॉर्बेंस है या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी हम इसे बोलते हैं, और ये मेजर होती है कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है रेडिएशन का एक सैंपल के द्वारा। ठीक, सो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, लॉग आई नॉट बाय आई को इसको हम लिख सकते हैं ए के बराबर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई सी एल एप्सिलॉन सी एल, ठीक है, लॉग आई नॉट बाय आई किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए के बराबर हो जाएगा, जो क्या होती है हमारी एब्जॉर्बेंस होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। लॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई नॉट और ये हो जाएगा आई, ठीक है, लॉग आई नॉट बाय आई। तो ये क्या है, मेजर होता है एब्जॉर्प्शन का, जो भी रेडिएशन ने एब्जॉर्ब हुई एक सैंपल के द्वारा। तो ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट बाय आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। सी क्या है, हमारी कंसेंट्रेशन है। बताया था अभी मैंने आपको कंसेंट्रेशन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की मोल पर लीटर के अंदर, तो यही है हमारा बियर लैम्बर्ट लॉ। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ये जो लॉ है समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही जोश वाले वीडियो के साथ में, जहां पर आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। तो कंटिन्यूसली हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियोज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। चैनल पे जाओगे तो सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thanks for watching.